हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। मैं रामवीर राजपूत आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन यूट्यूब चैनल, इंडिया के नंबर वन स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। देखिए आप, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज डिटेल में बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो बात की थी वो वोल्टेज और करंट के ऊपर ही बात हो पाई थी। आज जो बात हो रही है रेजिस्टेंस के ऊपर हो रही है, और थोड़ा फास्ट लेने वाले हैं क्लास को, घबराने की 1% ज़रूरत नहीं है भैया, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो, ये मैं वैकेंसी पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, पिछली 4 वैकेंसी और पढ़ा चुका हूँ। इस बार के ये मान के चलिए कि आपके 2018 में मुझे बहुत ज़्यादा एक तरीके से सलेक्शन देने हैं, 2014 में भी अनकाउंटेबल सलेक्शन रहे थे। एक एक बात मुझे मालूम है आप कहाँ गलती करते हो और कहाँ पर आपका बढ़िया पोर्शन है। देखो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था भाई, जिस पर मेरे पास कमेंट भी अच्छे आए थे, लेकिन उनमें थोड़ा डाउट भी था बच्चों के माइंड में, सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चंस थे हमारे कल, दो क्वेश्चन कौन कौन से थे। वो पहला एक क्वेश्चन था कि भाई प्रोटोन की खोज किसने की, और एक था धनात्मक चार्ज की खोज किसने की, पॉजिटिव चार्ज की खोज किसने की। तो इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर लेता हूँ, दोनों क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपका डिस्कशन कर लेता हूं। हाँ, 10+2 के लिए आपको यही क्लास अटेंड करनी है, दूसरी क्लास में नहीं जाना है। इसमें लिखा हुआ है भाई, जब आपका थंबनेल आता है उसके अंदर लिखा हुआ है 10+2 के अकॉर्डिंग यही क्लास है, और इसमें ही आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट चलेगा, वायरमैन के लिए वाइनिंग वगैरह ट्रेड आती है, वो देखेंगे उसको, कंप्लीट देखेंगे उसको, बात करेंगे इसके लिए, तो है ना। अब देखिए जो बात हो रही है वह बात किस किस बात के ऊपर हो रही है भाई, कि भाई सबसे पहला एक क्वेश्चन था कि धनात्मक चार्ज की खोज किसने की थी। जरा मैं आपको बता दूँ कि रदरफोर्ड जो था ना, रदरफोर्ड आपने पढ़ा भी होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की, यानी कि सोने गोल्ड की क्या ली, एक परत ली। अब देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा मैलिएबल यानी आघात वर्धनीय धातु जो है वो है सोना है, और सोने को हम क्या कर सकते हैं, सोना ही एक ऐसी धातु है जिससे 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये NCERT के अकॉर्डिंग, NCERT की बुक कहती है, क्या कहती है कि भाई 1 ग्राम सोने के अंदर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी सबसे ज़्यादा मैलिएबल है और सबसे ज़्यादा डक्ट है। डक्ट मतलब डक्टिलिटी का गुण है इसमें सबसे ज़्यादा, यानी किसी को खींचा जाए तो खींच करके क्या बन सकता है, तार बन सकता है। तो ध्यान सुनना, जो आपका रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने क्या किया, उस पत्ती को, सोने की जो वो थी प्लेट को, उसको क्या कर दिया, बड़ा करके और उसको एक राउंड शेप देकर अल्फा कण की उसके क्या कराई, बौछार कराई। भाई अल्फा कण के ऊपर चार्ज जो होता है वो हमेशा रहता है पॉजिटिव। अब देखो होता क्या है, 1000 में से एक अल्फा कण सोने की पतली परत से टकरा करके अपनी दिशा को बदल लेता है, डायरेक्शन को क्या कर रहा था, बदल रहा था। तो एक कण तो क्या कर रहा था, डायरेक्शन को बदल रहा था, 1000 में से एक, और 10000 में से एक, 10000 में से एक कण जो था वो उस परत से टकरा करके तो रिवर्स लौट के आ रहा था। तो जो रिवर्स लौट के आ रहा था उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा माइंड में रदरफोर्ड के आया, बोले यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये सोने की बिल्कुल पतली से परत से टकरा करके ये क्या नाम है अपने पास लौट करके आ रहा है, तो इसमें कोई ना कोई अंदर बात जरूर है। तब उन्होंने एक बात लिखी थी कि हो सकता है कि इसके अंदर जो परमाणु हैं तो परमाणु के अंदर जो केंद्रक वाला भाग है, जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो वहाँ से आपकी खोज जो हो गई, पॉजिटिव चार्ज की जो खोज होगी वो चली गई रदरफोर्ड पर। अब समय बीतता गया, उस समय ये नहीं मालूम था न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या नाम है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये बात इतना क्लियर नहीं था। फिर थोड़ा समय बीता, समय बीतने के बाद में फिर बाद में गोल्डस्टीन आया, तो गोल्डस्टीन ने बताया कि भाई यहाँ पर क्या है कि आपका एक कण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, और प्रोटॉन पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो व्याख्या किसने कर दी, गोल्डस्टीन ने कर दी, और नाम किसने दे दिया उस पॉजिटिव चार्ज को, नाम प्रोटॉन, नाम किसने दे दिया, गोल्डस्टीन ने दे दिया। इसलिए भैया वो एग्ज़ाम में आप लोग गलतियां करते हो, काफ़ी सारे कमेंट मैंने देख लिए इस पर, तो मुझे तो मालूम है आप कहां पर गलती करो, कहां पर आपका माइनस पॉइंट है। दूसरी बात, आप टेंशन ना लो सिलेबस के बारे में, मैं हूं यहां पर, समझो
भाई अभी तो हमने स्टार्ट किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं। गांव के बच्चे की बात करो जरा यार, जो जिसने टेंथ क्लास से तक की पढ़ाई गांव में, गांव के स्कूल में या आसपास के गांव के क्षेत्रीय स्कूल में की, उसके बाद में उसने आईटीआई कर ली, और आईटीआई करने के बाद में आज वो लोगों पायलट की परीक्षा दे रहा है, उस बच्चे को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया, उस वो बच्चा सेलेक्ट होने के लायक है, 100% है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं हो, वो भी है, और वो सेलेक्ट होगा इस बार लोको पायलट में सेलेक्ट होगा। और क्वेश्चन का लेवल क्या आता है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, कहाँ से मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करता हूँ चलूँगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जब हम पहुंचेंगे तो अब वहाँ है मशीन, वहाँ है चीज़ें, वहाँ है टेक्निकल पॉइंट, वहाँ हमें जानकारी बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर ले जाना पड़ेगा, बहुत एक एक पॉइंट को हमें उठाना पड़ेगा वहाँ से, वहाँ के एंड अंदर, वहाँ डेप्थ में वहाँ बात करेंगे। भाई 2010 पढ़ाया, 2012 पढ़ाया, 2014 पढ़ाया, 2014 के बाद 2018 पढ़ा रहा हूँ, और 2018 में मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल सिलेक्शन हो, इतने सिलेक्शन हो शायद मुझे भी नहीं पता हो कि इतने सारे सिलेक्शन। तो कुल मिलाकर कहा जाए मुझे इस बार सिलेक्शन देने हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शन देने हैं, और सिलेक्शन कैसे दिया जाता है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, कहाँ से क्या पॉइंट आपका वीक है, कहाँ से आप क्या चीज़ काम करने वाले हो। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान देते, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान देते। देखो भाई, जो मार्केट में आपके पास जो भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है उनको पढ़ो, लेकिन सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो आईटीआई के अंदर डीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक आती है, वो आती है आपकी निम्मी पैटर्न की, मैं इसका नाम ले सकता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज बुक है, गवर्नमेंट ऑथराइज बुक को आप खरीद सकते हो, परचेस करते हो, कर सकते हो। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, बीटेक होल्डर स्टूडेंट है, बीटेक होल्डर स्टूडेंट, एमटेक होल्डर स्टूडेंट, जो लोको पायलट की इस लोअर लेवल की परीक्षा को, एक लेवल तो है इसका, लेकिन बीटेक लेवल का मामला अलग होता है, वो चीज़ आप अलग अपने, है ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ, मार्केट में कोई बुक ऐसी नहीं है जो आप, जिससे आप टोटल इंग्लिश में आप उसे पढ़ सको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की, सॉरी निम्मी पैटर्न की जो बुक है, निम्मी पैटर्न की जो बुक है, वो आपको गवर्नमेंट की डीजीटी वेबसाइट के ऊपर जा कर के, या गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जा कर के, आपको वहाँ से इंग्लिश वर्जन में वो या तो ई बुक परचेस कर लेनी है, या फिर आप उसको वैसे खरीद सकते हो। और बाकी जो हमारे दूसरे जो मित्र हैं उनसे मैं की बात कहना चाहूंगा, भाई नई बुक के लेने की बजाय आप, है ना, जो आपके आईटीआई के अंदर जो भी आपने बुक पढ़ी हुई उस पर ध्यान दें, क्योंकि वही बुक जो है, जो आपको एक एक पेज याद है कि भाई यहाँ से ही है, अच्छा उस बुक के अंदर अगर कोई कमी लग रही है या उस बुक में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है, तो आप उसको उस बुक के अंदर वहीं पर ही एक स्टिकर लगा करके वहां पर आप उसको नोट करते चले जाओ। तो कुल मिलाकर के बुक्स के लिए आप इतना इश्यू मत बनाओ, क्योंकि नई बुक खरीदोगे तो उससे आप और ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, आप अपनी पुरानी बुक पर विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, अब इधर ध्यान देते हैं भाई। हाँ, जो आप नाम ले रहे हो, बुक कोई ख़राब नहीं होती, बुक सब अच्छी होती हैं, 19-20 सभी बुकों के अंदर होता है, हर राइटर क्या नाम है एक जैसा नहीं ले सकता। और गांव के जो मेरे क्या नाम है, जो बिल्कुल ऐसे तबके से भाई आते हैं जिनका क्या नाम है, आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी सी कमज़ोर रहती हैं, तो कृपया करके अपनी वो पुरानी बुक से ही काम चलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई उससे भी होगी और उसमें भी वही लिखा हुआ है, सभी बुकों में वही लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो मैं बात करने वाला हूँ कि आज जो बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की बात करने वाले हैं आज जो बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की बात करने वाले हैं तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ कहते कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम देखते हैं ओम्स लॉ कहते कैसे हैं। ओम्स लॉ डील विद द रिलेशनशिप, सॉरी ओम्स लॉ डिटेल्स डील्स विद अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन आइडियल कंडक्टर। एक आइडियल कंडक्टर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आइडियल कंडक्टर के लिए कहा जाता है कि भाई ना तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन कभी होना चाहिए, ना ही उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, ना ही उसके ताप में कोई परिवर्तन होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जहाँ पर भी धारा गुजरेगी, जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा, वहाँ पर मेटल के अंदर या जो भी धातु का तार है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो ओम्स लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट एंड आइडियल कंडक्टर, ठीक है। ओम का नियम आदर्श चालकों, धारा और वोल्टता के बीच संबंध को स्थापित करता है। यहाँ जो वर्ड आया है आदर्श चालक, ठीक है, आदर्श चालक सिर्फ हम मान सकते हैं ना। अब अगला पॉइंट है कि भाई द पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस एन आइडियल कंडक्टर इज प्रपोर्शनल। भाई जो आपका वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, आइडियल कंडक्टर में प्रोपोर्शनल होता है टू द कंडक्टर करंट, टू द करंट आई थ्रोइंग इट
throwing it the constant of proportionally. Proportionally is called the resistance, है ना? तो कुल मिलाकर कहा जाए एक आदर्श चालक के दोनों स्वरूपोत्पन्न, भाई किसी चालक है चालक के दोनों स्वरूपोत्पन्न, कुल विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान सुनना, ओम का नियम आदर्श चालकों में धारा और वोल्टता के बीच संबंध को स्थापित करता है। एक आदर्श चालक में दोनों सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में भी आपको पूरी सारी ये बातें समझा रखी हैं, भाई होता क्या है कि भाई दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे तो सीधी सी बात है इसमें कुछ ना कुछ क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या आएगा, विभवांतर आएगा। तो विभवांतर को तो हम किससे नापेंगे, वोल्टमीटर से नापेंगे, और वोल्टमीटर से जब इसमें धारा आई क्या करेंगे, धारा आई क्रॉस करेंगे तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई समानुपाती किसके होगी, वी के। धारा आई समानुपाती किससे होगी, V के। तो देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसको देख लो जरा, V समानुपाती I या I समानुपाती चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। या हम क्या लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा भाई, I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। R यहाँ क्या है, R इज द रिलेशन इज कॉन्स्टेंट, R इन दिस रिलेशन इज कॉन्स्टेंट, यानी कि R जो है इस रिलेशन के अंदर क्या है, एक स्थिरांक है, एक नियतांक है। R क्या होता है, R भाई देखो क्या होता है कि R जो है ना अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग है। अगर हम किस की बात करें, हम Ag की बात करें, है ना, हम चांदी की बात करते हैं ना, एजी अर्जेंटम की बात करते हैं, तो एजी के लिए हम रेजिस्टेंसिविटी यानी कहा जाए प्रतिरोधकता जो होगी वो कितनी होगी, वो अलग अलग रहेगी। 1.1 mm³, एक मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, तो वह 6.6 × 10⁻¹⁸ ओम क्या होगा, ओम मीटर। तो ये क्या है, हर चालक के लिए क्या है, अलग अलग है, और इसके अनुसार ये क्या करेगा, धारा के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। और जब धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी तो सीधी सी बात है इसे क्या कहा जाएगा भाई, तब वहाँ जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी उसे क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस कहा जाएगा। और इसके रेजिस्टेंस, धारा आई, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। यहाँ आपके पास सामने त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में अगर हम वी पर उंगली रख लें तो वी बराबर क्या निकल के आता है, वी बराबर निकल के आता है आई आर, ठीक है। और आई बराबर क्या निकल के आता है, आई बराबर निकल के आता है वी अपॉन आर। और अगर हम R को देख लें, R को रख दें तो R बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन I। तो कुल मिलाकर के ये हमारा रिलेशन निकल के आता है ओम के नियम में। अब ओम के नियम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है भाई, क्या है भाई, एक 10 ओम के प्रतिरोध, ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक 10 ओम का प्रतिरोध है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, है ना। जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए, बताओ भाई बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, बिल्कुल बात सही है। देखो भाई क्या आ रहा है, भाई हमें क्या दिया हुआ, आर की वैल्यू दी हुई है, आर इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान सुनो, हमें आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ, 10 ओम दिया हुआ है। हमें V कितना दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। हमें क्या याद करना है, हमें ज्ञात करना है I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। V का मान कितना, 10 अपॉन क्या हो गया, R, यानी 5 से इसको काटा तो कितने बार गया, 2 बार, तो 2 क्या आ गया, I फॉर एम्पियर, तो आपका आंसर आ गया 2 एम्पियर, C इज द राइट आंसर। चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है आपका, क्वेश्चन छोटा सा है बिल्कुल ना के बराबर, है ना, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, 2 मिनट। इफ आपको V की वैल्यू दी है, V की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, V की वैल्यू आपको दी हुई है 50, ठीक है, आपको I की वैल्यू दी हुई है 5, तो R की वैल्यू पूछी है, R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, आपको प्रतिरोध का मान बताना है,
आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई, सीधा सीधा भाई जो हमने अभी देखा था ना, ये देखा था वी आई और आर, आर बराबर क्या होगा वी अपॉन आई, और आर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, आर इक्वल टू हो जाएगा वी का मान कितना हो गया 50, आई का मान कितना होगा 5, दोनों काटा आर बराबर कितना हो गया 10 ओम, यानी कि आपका 5 10 10 ओम, यानी आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आपका क्या आ गया, बी इज़ द राइट आंसर आपका। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो अपने लाइक बढ़ाते चले जाओ। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना, ये क्वेश्चंस हैं, या तो आप इसको क्वेश्चन मान लो, अपने थ्योरेटिकल वे मान लो, यहाँ पर मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ, और एक एक पॉइंट है जो क्लियर होता चला जाएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस में समझना, एग्जाम में जरूरी नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ एज इट इज़ आएगा, 19-20 ऊपर नीचे आएगा, इनमें से कॉन्सेप्ट बेस यही रहेगा। ओम का नियम लागू नहीं होता है भाई, क्वेश्चन ये है, ओम का नियम जो है वो लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है जरा मेरे बताओ भाई, ओम का नियम लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है, क्या ओम का नियम डीसी पर लागू नहीं होता है, क्या ओम का नियम डीसी पर लागू नहीं होता भाई, ओम ने जब नियम दिया तब तो उसने किस पर दिया, डीसी पर ही तो क्या कर दिया था उसने, ओम का नियम दिया था, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ओम का नियम तो भाई डीसी पर तो क्या होगा, लागू होगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या ओम का नियम एसी पर लागू होता है, ध्यान सुनना, ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, गलती से भी एग्जाम में आपको एसी पर टिक नहीं लगाना है, एसी पर भी लागू होता है भाई। ओम का नियम क्या छोटे प्रतिरोधों पर लागू होता है, बिल्कुल साफ होता है, छोटा प्रतिरोध हो बड़ा प्रतिरोध हो कोई भी प्रतिरोध आ जाए छोटे और बड़े दोनों पर लागू होता है। क्या ओम का नियम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक धातु यानी सिलिकॉन 14 और जर्मेनियम 32 इन दोनों पर यानी इनसे बनी उप धातुओं पर इनसे बने उपकरणों पर कभी भी ओम का नियम लागू नहीं होगा, ये इस पर लागू नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे क्योंकि ताप बढ़ाने पर ही ये काम करते हैं सेमीकंडक्टर, है ना कि नहीं, शुद्ध अवस्था में सेमीकंडक्टर काम नहीं करते, शुद्ध अवस्था में जो इंट्रेंसिक जो रहते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन जर्मेनियम कभी भी शुद्ध अवस्था में काम नहीं करते हैं, जब उनमें अशुद्धियां मिलाई जाती है यानी एक्सट्रेंसिक कर दिया जाता है तब वो काम करते हैं, अशुद्धि वो अब सब मैं आपको बता दूंगा, सारा सारा डिटेल में चलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएंगे भाई, कौन कौन सी मिलाई जाएगी, बेरियम मिलाई या आर्सेनिक मिलाई जाएगी, कौन कौन सी क्या क्या है वो सब डिटेल के साथ में वो आपका आने वाला है, अभी तो हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है ओम का नियम लागू नहीं होता, ये भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके है लेकिन थोड़ा सा आप मुझे बताओ भाई यहाँ क्या है, तो भाई ओम का नियम लागू नहीं होता है, कौन कौन से उपकरण पर लागू नहीं होता, पहला तो हमें दे रखा आर्क लैंप, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है हमेशा ऐसे ही जो क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको आप क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ओम का नियम वही लागू होगा या उन्हीं उपकरणों के लिए लागू होगा जो उपकरण, उन्हीं उपकरणों के लिए लागू होगा जो उपकरण जिनका उपयोग करते समय वो गर्म नहीं होते हैं, गर्म नहीं होते हैं, तो कुल मिलाकर के ओम का नियम वही लागू होगा जो गर्म नहीं होते हैं, जो गर्म हो गया वो ओम के नियम में नहीं आने वाला कभी भी, जो गर्म हो गया वो कभी भी ओम के नियम में नहीं आएगा, और एग्जाम में आपके इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है बताओ आर्क लैंप पर क्या ओम का नियम लागू होगा, तो भाई ओम का नियम आर्क लैंप जैसे ही आप यूज में लोगे गर्म होगा, यानी इस पर भी ओम का नियम लागू नहीं होगा। डायोड, जब भी दो मिनट पहले सेमीकंडक्टर के बारे में बात किया था, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन भाई या तो सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, दोनों में से किसी में एक ले लो और फिर अशुद्धि मिला दो, अशुद्धि यानी डोपिंग प्रोसेस कर दो, डोपिंग प्रोसेस में त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धि दोनों मिलाकर के पी और एन टाइप दोनों के दोनों आप बनाओ, दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, परमाणु रूप से जोड़ दो, जोड़ने के बाद में जो युक्ति बनती है वो डायोड होती है, और डायोड बनी किससे, सेमीकंडक्टर से बनाओ, सेमीकंडक्टर से बनाओ तो सीधी सी बात है ना तो ये इस पर ओम का नियम लागू, इस पर लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, इस पर भी लागू नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर नाम से ही मालूम चल रहा है गर्मी पैदा करेगा, तो आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी यानी सारा का सारा सभी चारों जो ऑप्शन है हमारे पास, जो हमारे पास तीन जो ऑप्शन है उन तीनों ऑप्शनों में किस सभी पर ये लागू नहीं होता है, तो आंसर नंबर आएगा, आंसर आएगा आपका डी। अगली नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं भाई, विद्युत फिलामेंट ये क्वेश्चन मैंने, ध्यान सुनना यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में हल्का सा देख लो थोड़ा,
कि भाई कन्फ्यूजन भी रखता है हल्का सा, विद्युत हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है, ये क्यों लिया गया है, इसके पीछे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली धातु कौन सी है, आपसे ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली धातु कौन सी, तो आपको सीधा सीधा क्या लगाना है, आपको सीधा सीधा लगाना है नाइक्रोम, आपको सीधा सीधा क्या लगाना है नाइक्रोम, बाकी सारी तो क्या है चालक धातु हैं, ठीक है, बाकी सारी तो क्या है चालक धातु तो है, लेकिन अच्छी चालक धातु है, इनमें प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसका है नाइक्रोम का, तो हीटर क्योंकि हमें क्या चाहिए हीट चाहिए, हीट चाहिए तो हीट के लिए तो सीधी सी बात है क्या यूज़ में लिया जाए नाइक्रोम, नाइक्रोम का मतलब होता है निकल प्लस क्रोमियम, निकल में क्रोमियम को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा आपका नाइक्रोम, ठीक है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट भाई क्या होगा बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किसका उदाहरण है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका उदाहरण है, रेजिस्टिव डिवाइस बताइए, देखो नॉन ओमिक डिवाइस है यानी कि ओम के नियम पर कार्य नहीं करने वाली डिवाइस है, दूसरा है रेजिस्टिव डिवाइस है यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली डिवाइस है, ओमिक डिवाइस है ओम के नियम पर लागू होने वाली डिवाइस है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो हो नहीं सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो ये आता नहीं है, ठीक है, ये भी ओमिक डिवाइस, भाई ओमिक डिवाइस ओम के नियम पर भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, तो गर्म हो गया तो भाई ओम के नियम पर भी काम करेगा, और एक और पॉइंट दिया हुआ है मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करने वाली, हाँ भाई प्रतिरोध तो उत्पन्न करती है लेकिन प्रतिरोध के बाद में हीट क्रिएट हो जाती है, तो कुल मिलाकर के ये प्रतिरोध के अकॉर्डिंग भी ये सही नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें हीट क्रिएट हो जाती है, ऊष्मा किसी रूप दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाती है, ऊष्मा को कन्वर्जन करने वाली डिवाइस होगी यहाँ पर नॉन ओमिक डिवाइस, यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा नॉन, जो ओम के नियम पर काम नहीं करती। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं अपना, अगला क्या है एक ओमीय उपकरण के लिए धारा वोल्टेज के बीच में ग्राफ कैसा होता है, तो जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ओमी उपकरण के लिए धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ कैसा होता है भाई, लाइनर होता है नॉन लाइनर होता है पैराबोलिक होता है हाइपरबोलिक होता है, तो ध्यान से सुनो वी और आई, वी देखो यहां पर हमने क्या लिया था वी समानुपाती क्या लिया था आई, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा V समानुपाती I, जैसे जैसे V का मान बढ़ाओगे जैसे जैसे आप V का मान बढ़ाओगे उसी के अनुपात में आपका I का मान भी क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, तो कुल मिलाकर V समानुपाती I, V समानुपाती I, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान भी क्या बढ़ेगा, यानी ये जो ग्राफ है वो लाइनर ग्राफ है, तो आंसर क्या आएगा A आएगा, ध्यान रखना ये ओम का नियम को कौन सा ग्राफ सिद्ध करेगा एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, जरूरी नहीं है मैं जो मैं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी ध्यान देना V समानुपाती I होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या है हम बात करने वाले प्रतिरोध की, अभी हमने बात की थी V समानुपाती I लिख सकते हो, ठीक है, किसी चालक के दोनों स्वरूप उत्पन्न कुल विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है समानुपाती होता है, आई समानुपाती क्या लिख सकते हो वी भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू वी अपन क्या हो जाता है आर, और आर यहाँ क्या है एक नियतांक है, उस नियतांक को हम यहाँ पर देखते हैं, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो किसी भी जो चालक है उसका रेजिस्टेंस इन इज मेजर द मेजर ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रोइंग अ सबस्टेंस, ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो आपको बात समझाई गई है थोड़ी सी क्या समझाई गई है कि जो कारक क्या करता है कि किसी पदार्थ के अंदर किसी धातु के अंदर या किसी पदार्थ धातु और पदार्थ दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी धातुएं पदार्थों में ही आती है पदार्थों की श्रेणी में आती है, पदार्थ यानी ऑल ओवर जो भी आपके सामने जो भी क्या नाम है अर्थ है अर्थ के आसपास आपको जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है सारा सारा किसमें आता है रेजिस्टेंस मतलब पदार्थों के अंदर आता है, और पदार्थों के अंदर आता पदार्थों में ही धातु भी है धातु भी आती है अधातु भी आती है और भी चीज़ें आती है, तो अब देखो भाई यहाँ से यहाँ तक तो हमारा समझ में क्या समझ में आया किसी धातु के माध्यम से विद्युत धारा किसी धातु के माध्यम से विद्युत धारा ठीक है, अब जरा समझना इस पॉइंट को जरा आप है ना, किसी धातु या पदार्थ के माध्यम से विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का गुण क्या कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है तो जरा ध्यान समझो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है तो जरा ध्यान समझना किस पर निर्भर करता है, ठीक है,
सबसे पहले नंबर पे आपका पहला पॉइंट आता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, तो प्रतिरोध पहले नंबर पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकृति की बात करते पदार्थ की प्रकृति। देखो चांदी आप लोग जानते हो, अर्जेंटम आप जानते हो, अर्जेंटम का प्रतिरोध क्या कहा जाए सबसे कम होता है, सबसे प्रतिरोधकता क्या अकॉर्डिंग तो प्रतिरोध कम होता है, तो चालकता क्या होती है ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है ना, तो चालकता क्या है ज़्यादा है, तो चालकता के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर यानी चालकता के आधार पर, के आधार पर मैं आपको इसको ग्राफ को इसको बना रहा हूँ। चालकता के अनुसार चांदी क्या है सबसे ज़्यादा चालक है, ठीक है। अगर हम प्रतिरोध के अकॉर्डिंग देखें, प्रतिरोध के अकॉर्डिंग देखें तो अभी मैंने आपको बताया था नाइक्रोम है ना कि नहीं, 100 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे ज़्यादा होता है ना। चालकता के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपन देख लेते हैं भाई, एजी के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में एल्यूमिनियम, ये आपका सिस्टम रहता है सारा का सारा। वैसे इसकी रेजिस्टेंसिविटी यानी प्रतिरोधकता मैं आपको बता दूँ, प्रतिरोधकता भी बताते हुए चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रकृति में चालक धातु कौन सी है, अर्जेंटम, और अर्जेंटम का प्रतिरोध कितना होता है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर 1.6 × 10⁸ मीटर ओम मीटर है ना, -8 ohm मीटर, ये किसका आएगा, रेजिस्टेंसिविटी किसकी आएगी आपकी, अर्जेंटम की आएगी। कॉपर में क्या होगा, कॉपर में आपको कुछ नहीं करना है, 1.6 की जगह 1.7 आ जाता है, 1.7 × 10⁻¹⁸ ohm meter आ जाता है। और एल्यूमिनियम की अगर बात कर लेता है तो आपको क्या करना है, 2.7 कर देना है, 2.7 × 10⁻¹⁸ ohm meter आ जाता है, ये रेजिस्टेंसिविटी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के हमें समझना क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके का क्या करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करने के आधार पर मैंने आपको तीनों को बता दिया। चालकता के अकॉर्डिंग सबसे अधिक चालक धातु क्या है, अर्जेंटम, सो सबसे ज्यादा, सबसे कम प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होगी, अर्जेंटम होगी, और चालकता किसकी सबसे ज्यादा होगी, अर्जेंटम यानी चांदी की सबसे ज्यादा चालकता होगी, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, चालक तार की लंबाई पर, लंबाई पर अब देखो भाई लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई के लिए आपसे पूछा गया है चालक तार की लंबाई पर, तो ध्यान से समझना क्या होता है, एल जो आपका L रहेगा, जो L समानुपाती है ना, R समानुपाती क्या रहेगा, L रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लंबाई के क्या रहेगा समानुपाती। ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा R समानुपाती L का, यानी लंबाई को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा। अब मैं बात करता हूँ भाई, सीधी सी बात है, जैसे आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ से रेलवे स्टेशन, तो भाई रेलवे स्टेशन से अगर आप क्या घर तक एक वायर लेकर के आओ, वहाँ पर घर में ला करके आप एक बल्ब जलाओ, एक घर का आपका खुद का बल्ब है वो जल रहा है, दोनों में से किसका बिल ज़्यादा आएगा, तो जरा ध्यान समझना। हमने जिसमें तार ज़्यादा यूज़ में लिया स्टेशन से लेकर हमारे घर तक आया, सीधी से तार बहुत ज़्यादा हमने यूज़ में ले लिया, तो तार भी क्या कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स की खपत करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स की खपत करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ही जगह को क्या करता हुआ आया, एक तरीके से अवरोध उत्पन्न हुआ उसके रास्ते में, चालक के तार के द्वारा अवरोध उत्पन्न हुआ, और चालक तार के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं भाई, चालक तार की लंबाई पर, तो आपका लंबाई पर ग्राफ कुछ इस पर तरीके से पड़ेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आर इस आर जो है वो क्या होगा, 1/a, जो R क्या रहेगा, R व्युत्क्रमानुपाती रहेगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे जैसे आप मोटाई बढ़ाओगे, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन जब भी चलते हैं वो क्या चलते हैं, हमेशा और हमेशा किसी भी चालक तार की कहाँ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब भी चलते हैं चालक तार की सतह पर चलते हैं, इस बात को माइंड में ध्यान रखना। अगर तार की मोटाई क्या हुई, कम हुई, ध्यान समझो, तार की मोटाई अगर कम हुई तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और जब एरिया कम मिलेगा तो सीधी सी बात है, अगर इसके अंदर डीसी जा रही है, कौन सी जा रही है, इसके अंदर डीसी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, और अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं और तार को क्या करते थे, गर्म कर देते, मामला
ख़राब भी हो जाता है। अच्छा, अगर इसके अंदर एसी जा रही है तो ये क्या करेगा, तार में जो इलेक्ट्रॉन है अभी ये अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे, ये क्या मूवमेंट करेंगे, ये आपका मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे आप क्या करते हो पदार्थ की अगर हम मोटाई के अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फ्लो कर रहे हैं अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। चलो ये दोनों बातों का रिलेशन यहाँ नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई यहाँ पर क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सतह पर चलते हैं, किस पर चलते हैं सतह पर, और सतह अगर ज़्यादा मिल जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एरिया अगर उन्हें ज़्यादा मिल गया तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जाए ये आपके इलेक्ट्रॉन सतह पर चलते हैं, सतह ज़्यादा मिलेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर सतह कम मिली, अगर सतह क्या मिलती है कम मिलती है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, यानी R व्युत्क्रमानुपाती, R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/ क्या होगा, ए होगा, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर आता है। अब आते हैं चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, अब बात करते हैं अपन किस पर, चालक के ताप पर, ताप पर बात करते हैं, ताप पर। ठीक है, टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करेगा, तो ध्यान समझो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आप याद रखना हमेशा के लिए, धातु, धातु है ना, ताप जब भी बढ़ेगा, ताप जब भी बढ़ेगा तो धातुओं के अंदर प्रतिरोध हमेशा रहता है धनात्मक, हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक। धातुओं के अंदर जब भी बात करता है धातु की, धातुओं के अंदर जो प्रतिरोध रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा। और जब भी हम बात करते हैं कि भाई किसके अंदर, अपन धातु के अलावा अगर अपन से क्या कर देता है वो कुछ और बोल देता है, धातु के अलावा वो अपन से क्या कर देता है कुछ और बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, इलेक्ट्रोलाइट बोल देता है, गैस बोल देता है, क्या नाम है आपका, पोर्सलिन बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि धातुओं के अलावा अगर वो कुछ और बोलता है तो आपको हमेशा बोलना है प्रतिरोध क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप इसको समझ लेते हैं, धातुओं का क्वेश्चन क्या बोलेगा, धातुओं का ताप बढ़ाने पर, धातु का, धातु जो होता है ना, धातु का ताप बढ़ाने पर, मेटल्स का ताप बढ़ाने पर बताओ टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो हमेशा क्या रखना है, धातु वर्ड जहाँ पर आया था, मटेरियल मेटल जहाँ आ जाता है, तो मेटल के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मेटल के अंदर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़े, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर समानुपाती किसका होगा, आर के। तो टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी मेटल का, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। धातुओं का ताप बढ़ाने में प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर हम कह दें अधातु, अधातु में वो आपसे ऐसे ऐसे एग्जांपल लेता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ले लेता है, इलेक्ट्रोलाइट के अलावा आपके और गैस ले लेता है, आयनीकृत गैस ले लेता है, कुछ भी दे देता है, चीनी मिट्टी के दे देता है, पोर्सलिन दे देता है ना, बेकेलाइट दे देता है, कुछ भी दे देता है। तो आपको धातु को छोड़कर कुछ भी देता है, जैसे ग्रेफाइट दे दिया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रेफाइट जब भी देगा तो टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा, धातु को छोड़ दो तो टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो आर क्या होगा, घटेगा। आर क्या होगा, 1/ ये। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर क्या चलेगा, ताप रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्रेफाइट में हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हम ताप बढ़ाएंगे। ग्रेफाइट का जब भी हम ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रेफाइट के अकॉर्डिंग हम कार्बन भी ले सकते हैं, कार्बन बुश बोला जाता है, कार्बन बुश का ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। अब देखो, अब ये तो बात हमारी किसकी थी, प्रतिरोध तक थी, इसके बारे में और हम आगे की क्लास में देखते हैं, और भी चीज़ें इसके बारे में देखना है। लेकिन आज जो छोटी सी बात एक और करने वाले हैं, वो क्या बात करने वाले हैं भाई, हम एक छोटा सा पॉइंट आज क्लियर करने वाले हैं कि प्रतिरोध की कलर कोडिंग। अब ये प्रतिरोध की कलर कोडिंग क्या होता है, तो जितने भी आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपने चारों तरफ देख रहे थे, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रतिरोध उपयोग में लाए जाते हैं।
ठीक है। अब वो प्रतिरोध कैसे, आपने देखा भी होगा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, अगर आपने देखा हो भाई, अब तो मैकेनिकल आदमी है, टेक्निकल आदमी है, तो टेक्निकल आदमी जो इलेक्ट्रिकल आदमी है वो सारे सारे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ खोलने की आदत रहती है। तो ज़रा ध्यान से समझना कि अगर आपने देखा होगा तो आपने क्या देखा होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक, आपने इस तरीके का इक्विपमेंट कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगा हुआ देखा होगा। देखा है नहीं देखा है? बिल्कुल साहब, इस तरीके के इक्विपमेंट के ऊपर आपने क्या देखा होगा, इस तरीके के कलर बैंड भी होंगे। बहुत छोटा हुआ चावल के दाने से थोड़ा सा बड़ा होगा, हल्का 19-20 रहेगा। कुल मिलाकर के दिखाई देने में कुछ ऐसा होगा, अलग अलग कलर्स होंगे इसके अंदर, और अलग अलग कलर्स होंगे तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई इसकी कलर कोडिंग में इसका रेजिस्टेंस का मान कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। भाई इसमें तो आपने कलर दिए हुए हैं, कलर के अकॉर्डिंग आपको मान बताना है, तो सीधी सी बात है इसको, इस पर एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर एग्जाम में आने वाला है। तो भाई क्या करते हैं, जरा देखते हैं भाई कलर कोडिंग के अंदर क्या आता है। देखो भाई ये है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दी, देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, सॉरी दिख रहे हैं ना आपको। तो ये सारे सारे क्या है, आपके रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के अंदर इस तरीके से आपके ये कलर कोडिंग दी हुई होती है। तो जरा समझते हैं क्या होता है इसमें। पहला जो बैंड होता है वो डिजिट, फर्स्ट डिजिट को शो करता है। दूसरा जो बैंड होता है वो 10 के गुणज में जो डिजिट रहती है उसको शो करता है। तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लायर को शो करता है, और चौथा जो होता है वो टॉलरेंस को शो करता है। तो ध्यान समझना, जैसे मुझे 2500 ओम किसका रेजिस्टेंस बनाना है, और 2500 ओम का रेजिस्टेंस मुझे बनाना है, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो रेजिस्टेंस बने हमेशा फिक्स बन जाएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा ये क्या करेगा फिक्स बनेगा, 2500 ओम का ये बनेगा। हो सकता है ये 2500 के अलावा ये हो सकता है 2600 ओम का भी बन सकता है, और 2600 ओम का भी बन सकता है, और 2400 ओम का भी बन सकता है। यानी कि इनमें कमी और वृद्धि, यानी 2500 में कमी और वृद्धि हो रही है 4% की। कितने परसेंट की हो रही है? कमी और वृद्धि हो रही है 4%। यानी 2500 ओम का कोई प्रतिरोध है, इसके अंदर कमी और वृद्धि हो रही है, 2500 ओम का है और इसके अंदर कमी और वृद्धि हो रही है 4% की। तो देखो भाई मैं इसको किस तरीके से और लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 × 10⁻¹⁰ ओम प्लस माइनस 4%, ये भी मैं आपको यहाँ लिख सकता हूँ। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2.5 × 10⁻²⁰ ओम प्लस माइनस 4%। मैं इस तरीके से इसको क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। तो देखो जा यहाँ पर, ये जो फर्स्ट डिजिट जो आपको दिया हुआ, फर्स्ट डिजिट ये है पहली डिजिट, दूसरी डिजिट क्या है ये है, तीसरा क्या है मल्टीप्लायर यानी गुणज है, और चौथा क्या है टॉलरेंस यानी कमी और वृद्धि, कितनी कमी और वृद्धि। भाई मुझे चाहिए कितने का था, 2500 ओम का, लेकिन बन नहीं सकता था। ये कितने का बन सकता था, या 2500 का बनेगा, या सॉरी या तो 2600 ओम का बनेगा या 2400 ओम का बनेगा, और इसमें कमी और वृद्धि कितने की हो रही है, 4% की। भाई हो सकता है कि 2600 से थोड़ा सा कम हो, या 2400 से थोड़ा, यानी 2449 हो सकता है, 2480 हो सकता है, 2505 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसमें टॉलरेंस हमने कितना दिया हुआ, 4% और 4% का टॉलरेंस का मतलब ये समीकरण आपके सामने निकल करके सामने आ गई। और इस समीकरण के अंदर पहले वाली डिजिट का कलर हम रखेंगे, फिर दूसरी डिजिट का रखेंगे, में तीसरे मल्टीप्लायर का रखेंगे, और चौथे नंबर पर टॉलरेंस रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं जरा इसमें भाई क्या होता है। कलर कोडिंग आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, ये आप है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, है ना, वैसे तो ये आपको मिल जाएगी, लेकिन सुनो मेरी बात, ये आपके पास अभी शो हो रही है टेबल, इसमें क्या है, जो अभी हमने बात देखे थे ना, क्या देखा था भाई, देखना दिख रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। देखो 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 अभी जो हमने लिखा था वो कितना लिखा था, हमने क्या लिखा था, हमें जो चाहिए ना, हमें जो प्रतिरोध चाहिए वो कितने ओम का चाहिए, हमें तो चाहिए कितने ओम का, 2500 ओम का चाहिए, लेकिन 2500 ओम का बनना संभव नहीं है, क्योंकि ये जब भी बनाया जाएगा ना बहुत छोटा होता है साइज में, तो ये जब बनाया जाएगा तो ये तो या तो कितने का बनेगा, या तो ये बनेगा आपका 2500 2600 ओम का बनेगा, या फिर आपका ये बनेगा 2400 ओम का,
और जब ये वाली बात आती है तो फिर हम क्या करते हैं, तो भाई इसमें टॉलरेंस कितना मिल रहा है हम इन दोनों के बीच में, अगर हम टॉलरेंस देखें तो हमें 4% टॉलरेंस मिल रहा है। भाई 2500 का 4% अगर प्लस करते हैं तो 2600 आता है, 2500 का 4% अगर माइनस करते हैं तो 2400 आता है, तो 2500 प्लस माइनस 4%। और देखिएगा होगा क्या, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2500 को हम क्या लिख सकते, 10^2 ओम, है ना, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले पूरी बात मैंने आपको क्या कर दी है, समझा दी है। अब देखिएगा होगा क्या, वैसे होना क्या चाहिए था, हमें होना क्या चाहिए था, हमें ये डिजिट उस जो मैंने अभी आपको बना के बताया था ना, जो हमें ये डिजिट कहाँ लिखनी चाहिए थी, उस प्रतिरोध के ऊपर हमें ये डिजिट लिखनी चाहिए थी, हमें तो इसके ऊपर ये डिजिट लिखनी थी। लेकिन हम क्या डिजिट लिख सकते हैं क्या, ये मैंने बोला चावल के दाने से थोड़ा सा बड़ा और होगा, तो ये इतना छोटा था, मतलब मैं इसके ऊपर डिजिट कैसे लिखेंगे, नहीं साहब तो लिख देंगे किसी न किसी, आजकल बहुत सारी मशीन आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो गिर गया, स्क्रैच हो गया, तो वो डिजिट मिट जाएगी, या फिर जैसे ही उसको क्या कर दिया, मान लो किसी जगह से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या हो गया, जल गया, तो जलने के कारण क्या हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, तो भी डिजिट क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, तो मामला हमारा बिगड़ सकता है। तो मामला बिगड़ने से बचाने के लिए हम इसके ऊपर क्या बनाते थे, बैंड बना देते। किसके बैंड बना देते, कलर के बैंड बना देते। अब कलर के बैंड जो बनते हैं, तो जरा यहाँ ध्यान देना, काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला बैंगनी स्लेटी सफ़ेद सुनहरा चांदी, ये सारे के सारे कलर हैं आपके पास, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर नो कलर, तो ये हमारे ये बहुत सारे कलर्स आ गए, है ना। तो अब एग्जाम में हमारे से यही पूछेगा कि भाई हाँ इसकी कलर कोडिंग करके बताओ, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 2500 × 10^2 ओम प्लस माइनस 4%, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और इस क्वेश्चन की आपको कलर कोडिंग करके निकालनी है, तो ध्यान से समझना। अभी तो आपके सामने टेबल है, तो टेबल से देख करके मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, लेकिन हकीकत बात तो ये एग्जाम में टेबल नहीं होगी, और टेबल नहीं होती तो बच्चा क्या सोचता है कि हमें टेबल बनानी है, टेबल बनानी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है बच्चा क्या कर देता है, इसको मतलब सोचता है कि यार इसको छोड़ दो हटाओ यार, मतलब क्या टेंशन आ गई। लेकिन हकीकत बात तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, टेबल में देख करके तो हर कोई बता देगा अभी आपको, टेबल में देख करके कमेंट में भाई बता रहे हो, अच्छी बात है। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं इसको किस तरीके से निकालते हैं। तो भाई रेड देखो, यहां डिजिट को देखो, डिजिट में 2 नंबर यहां आ रहा है, 2 नंबर किस पर आ रहा है, रेड पर आ रहा है, तो रेड यानी 2 नंबर को हम पहले नंबर को क्या दे देंगे, लाल रंग दे देंगे, लाल, है ना। पांच नंबर आपका यहां देखो पर पे आ रहा है ग्रीन, 5 नंबर पे क्या आ रहा है, ग्रीन यानी हरा आ जाएगा, ठीक है। हरे के बाद में 10^2 आ रहा है, 10^2 कहां मिलेगा, देखो 5 नंबर आपको यहां से मिला, 2 नंबर आपको यहां से मिला, 5 नंबर आपको यहां से मिला, अब 10^2 आ रहा है, 10^2 यहां पर है, 10^2 बोले तो दिख रही होगी आपको यार टेबल, है ना, 10^2 है। अब 10^2 जो है आपका वो यहां पर है, 10^2 जो 2 है वो आपका यहाँ पर है, सॉरी ये वाला है, 10^2 जो है वो आपका यहाँ पर है, और 10^2 का मतलब होता है रेड यानी लाल, ठीक है। और अंतिम जो आ रहा है आपका, फिर दोबारा जो आ रहा है, ठीक है, अब अंतिम जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, अंतिम जो आ रहा है प्लस माइनस 4% आपका कहाँ पर है, इस जगह पर है, इस वाले पॉइंट पर है। अब इस वाले पॉइंट पर प्लस माइनस 4% है, तो 4% का मतलब क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, येलो यानी कि क्या आ रहा है आपका, पीला आ रहा है, येलो यानी कि आप इसको क्या बोल दोगे, इसको आप क्या बोल दोगे, देखो मैं इसको सोच कर दूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा भाई कि ये इस तरीके से समझने, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पीला आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पीला आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपने निकाल दिया, ये तो आपने टेबल में से देख के निकाल दिया, ये तो मतलब ये तो क्या नाम है, आपने आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से आप निकाल रहे हो यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में जब ये टेबल नहीं आने तो फिर क्या करने वाले हो, तो जरा देखते हैं, जरा 2 मिनट का समय और दे रहा हूँ आज आपको, तो इसको आप थोड़ा सा अगर वीडियो अभी थोड़ा जैसे मान लो थोड़ा 19-20 हो जाए तो आप लोग इसको थोड़ा रिवाइंड करके बार बार आप इसको देख लेना। देखो करना क्या है, लेफ्ट हैंड लेना है, कौन सा हाथ लेना है, लेफ्ट हैंड। अच्छा जरा मैंने आपको कल एक बात बोली थी भाई, मैंने बोला था गर्लफ्रेंड को अंगूठी किस उंगली में पहनाते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट में सभी ने जवाब दे दिया, 19-20 सभी ने कर दिया, लेफ्ट हैंड की इस वाली उंगली में पहनाते हैं। किस वाली में पहनाते हैं, लेफ्ट हैंड की इस वाली उंगली में पहनाते हैं। तो देखो भाई लेफ्ट हैंड की ये वाली जो उंगली है, तो इसको आप हमेशा याद रखना,
ठीक है। अब लेफ्ट हैंड जो है आपको अपनी बुक के ऊपर, एग्जाम हॉल के अंदर बुक के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से रख लेना है, इसको इसको चलाना नहीं है, सिर्फ इस तरीके से रखना है। और राइट हैंड के अंदर, राइट हैंड के अंदर आपको क्या रखना है, अपना पेन रखना है अपने हाथ में, ठीक है। पेन, क्योंकि राइट हैंड, सभी राइट हैंड वाले, राइट हैंड 95% से अबाव होते हैं, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड को बता रहा हूँ। जो लोग लेफ्टी हैं, मतलब राइटी हैं, लेफ्टी चल रहे हैं, वो लोग क्या नाम है अपने राइट हैंड का, देखो, ठीक है। अब जरा समझना जरा बात को, होगा क्या कि भाई अंगूठे को तो हमें क्या करना है, बंद करना है, अंगूठे को बंद करना है। अंगूठे को बंद करने के साथ में एक ट्रिक है, ट्रिक थोड़ी सी सिंपल है, कोई दिक्कत ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक जरा ध्यान से समझना, मैं ये सब रफ कर रहा हूँ, ट्रिक समझ लोगे तो हेडक आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो बी बी रॉय, देखो यहां से लेकर के आपका यहां तक जो है, ये है आपका, ये है आपका बी बी रॉय। भाई क्या था, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, साउथ इंडियन था, जिसका नाम क्या था, बी बी रॉय। क्या नाम था, बी बी रॉय। और बी बी रॉय नाम था तो देखना जरा, पहली बात तो आपको यहां पर इस तरीके से उल्टा चलना है थोड़ा सा, है ना, बी बी रॉय। तो बी बी से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला अंगूठा आपको बंद करना है और बोलना है, इस पर क्या बोलना है, बी, इसको बंद करना है। अगर आपने इसको बंद नहीं किया और अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये क्या कर देगा, आपका गिनना शुरू कर देगा, और गिनना शुरू कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसको पहले बंद करना है, पेन एक हाथ में रहेगा, इसको बोलना है बी बी बी, के बाद में चलना है बी, डबल बी आ रहा है, बी बी। तो जो साउथ इंडियन व्यक्ति था उसका जो फेस था वो क्या था, काला था, साउथ इंडियन था, फेस अच्छे होते हैं देखने में यार, बहुत शानदार लगते हैं, पर्सनैलिटी शानदार होती है। तो बी यानी फेस क्या था, काला था, फेस काला था, बाल कैसे थे, ब्राउन थे यानी भूरे थे, काला भूरा। फिर बी बी आर ओ वाई, देखो आर ओ वाई, आर ओ वाई, बी बी आर ओ वाई, दोबारा से देख लेना, ये तो बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय कहा गया। अब जो बी बी रॉय था वो पढ़ाई करने, जब इंडिया में उसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो पढ़ाई करने कहाँ गया, ग्रेट ब्रिटेन गया। तो देखो भाई ग्रेट और कहाँ गया, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। बी इसको इसको बंद करना है, बोलना बी, फिर यहाँ क्या बोलना है, बी आर ओ वाई, बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय कहाँ गया, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। पढ़ाई करने कहाँ गया, ग्रेट ब्रिटेन को हमेशा ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, कहा गया ग्रेट ब्रिटेन। और वहाँ जब वो गया, उसने पढ़ाई कर ली, कंप्लीट कर ली, तो वहाँ एक लड़की मिली, वहाँ क्या मिली, एक लड़की, और उस लड़की को उसने क्या कर दिया, अंगूठी पहना दी। भाई अंगूठी पहना दी, भाई सीधी सी बात है, झुक करके अंगूठी पहनाने का प्रचलन किसके अंदर है, इंग्लिश कल्चर्स के अंदर है। तो इंग्लिश कल्चर के यानी ब्रिटेन के अंदर जो लड़की मिली उसे उसने क्या कर दी, अंगूठी पहना दी। और अंगूठी पहनाने के बाद में वो बन गई वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब वेरी गुड वाइफ जो बनी तो अंग्रेज थी, वो यहाँ की तो थी नहीं, अंग्रेज थी। तो अंग्रेज के ऊपर आपने एक गजल सुनी होगी, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान, तो ये आपने सुने होगा गजल। तो भाई क्या है, वो जो उसके जो बाल है, जितने भी अंग्रेज लोग या बाहर से ब्रिटिशर्स जितने भी होते हैं, उन सबके बाल कैसे होते हैं, बाल हमेशा सुनहरे होते हैं, बाल कैसे होते हैं, हमेशा सुनहरे होते हैं, सुनहरे बाल हमेशा कैसे होते हैं, उनके सुनहरे होते हैं, सुनहरे बाल हैं। भाई ब्रिटिशर्स लोगों के बाल कैसे होते हैं, सुनहरे। पहले नंबर पे पहचान ब्रिटिशर्स की यहीं से होती है, सुनहरे बाल। और उसके बाद में उनका फेस कैसा है, उनका फेस, फेस और जो चांदी जैसा रंग है तेरा, है ना, तो वो चांदी जैसा रंग यानी जो उसका चांदी जैसा रंग कैसा है, चांदी जैसा, ठीक है। और वही लेकिन वो क्या है, इंडियन नहीं है, तो उसे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, यानी नो कलर, यानी उसके लिए हमारे इंडियंस के लिए देखा जाए तो नो कलर है ना। तो कुल मिलाकर इसे ट्रिक को दोबारा से एक बार देख लो, इसको अंगूठे को करना है बंद, बोलना है बी, फिर यहाँ जाना है बी आर ओ वाई रॉय, कहाँ गया, ग्रेट ब्रिटेन, बी बी आर ओ वाई रॉय, कहाँ गया, ग्रेट ब्रिटेन। क्या मिली, वेरी गुड वाइफ, ये वाली जो पूरी फिंगर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगी, वेरी गुड वाइफ, यानी ये वाला जो पॉइंट जाएगा वेरी गुड वाइफ का जाएगा, ये वाला जो पॉइंट जाएगा वो वेरी गुड, सॉरी वेरी गुड वाइफ, ये तीन पॉइंट जो जाएंगे वो किस पर जाएंगे, वेरी गुड वाइफ पर जाएंगे। और वेरी गुड वाइफ है ना, और लास्ट में क्या आएगा, गोल्ड सिल्वर नो कलर। अब सुनो इसके ऊपर नंबरिंग कैसे रखनी है, इसको बोलना है जीरो, इसको क्या बोलना है, जीरो, और इसको बोलना है वन, सॉरी इसको बोलना है जीरो, इसको बोलना है वन, वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, ठीक है,
4, 5, 6 और 6 के बाद में फिर यहाँ क्या आएगा 7, 8, 9 और 9 के बाद में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा गोल्ड गोल्डन सिल्वर नो कलर गोल्ड सिल्वर नो कलर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ क्या है भाई देखो ब्लैक आप पूरी टेबल को आप देखोगे तो भाई ब्लैक के अंदर यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी जीरो यानी कि जीरो नंबर यानी ब्लैक बी बी के बाद में बी यानी भूरा ब्राउन यानी ब्राउन में सब में एक आ रहा है तो बी 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 यानी एक नंबर बी बी रॉय आ बी बी आर ओ वाई रॉय 2, 3, 4 आर ओ वाई यानी कि रेड ऑरेंज और येलो बी बी आर ओ वाई रॉय कहाँ गया ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन देखो यहाँ पर आकर के वो ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ी जगह है सबसे बड़ी उंगली होती है सबसे बड़ी उंगली यानी सबसे बड़ी जगह कहाँ चला गया ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर सबसे बड़ी जगह चला गया यानी ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर आपकी उंगली कंप्लीट हो जाती ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन का क्या नंबर आएगा 5 और 6 यहाँ से आप देखोगे उंगलियों 5 और 6 तो 5 और 6 आ गया आपका ग्रेट ब्रिटेन है ना सभी में देखो यहाँ पर भी 5 and 6 है यहाँ पर भी 5 and 6 है और यहाँ पर भी 5 and 6 है ना उसके बाद में क्या मिली वेरी गुड क्या मिली वाइफ मिल गया और वेरी गुड वाइफ के बाद में आपका क्या आ जाएगा गोल्ड सिल्वर नो कलर ठीक है आज के लिए धन्यवाद अगली क्लास में हम इसके ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं और ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जितना ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं बिल्कुल लाइक करो और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना इंग्लिश का जो PDF आपके पास आ जाएगा शाम तक आपको मिल जाएगा लाइक करना ना भूलें और कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा और कल की क्लास में हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आगे के क्वेश्चन आज के लिए धन्यवाद कल फिर मिलेंगे।